जय श्री राम। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे तीन पार्ट में डिवाइड है, लोकल रूट और इंटरनल रूट और पेरेंट्रल रूट। तो सबसे पहले हम लोकल रूट की बात करेंगे। तो लोकल जो रूट होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक टॉपिकल होता है, एक डीपर टिश्यू होता है। टॉपिकल क्या होता है, जो अप्लाइड होता है सरफेस एट स्किन, मतलब जो स्किन होती है उसके सरफेस पे आप अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल है इसका एंटीसेप्टिक या कोई ऑइंटमेंट हो गया वो। दूसरा हमारा है डीपर टिशू। डीपर टिशू में हमारी चार कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी है इंट्रा आर्टिकुलर, जिसमें क्या होता है इंजेक्शन हम देते हैं नी जॉइंट्स में। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोक्रोटिस्टोन, क्लियर। और जो लार्ज जॉइंट होते हैं उनमें हम जो क्वांटिटी देते हैं या कितना एमजी देते हैं, तो अप टू 40 mg देते हैं, लगभग 40 mg तक। और स्मॉल जॉइंट्स में जो हम इंजेक्ट करते हैं वो लगभग, या जो ड्रग देते हैं वो लगभग 5 से 10 mg देते हैं। और अगर हम दूसरी चीज़ की बात करूँ, इंट्रा थेकल की बात करूँ, तो उसमें क्या होता है, जो इंजेक्शन होता है इनटू सीएसएफ, डोज उसकी होती है लेस देन 20 ml। एग्जांपल है इसका लिडोकेन, क्लियर। एंड जो तीसरा है हमारा रेट्रोवल्वर है, ये जो इंजेक्शन होता है बिहाइंड आई बॉल दिया जाता है, और एग्जाम्पल है इसका एनेस्थीसिया। एंड जो चौथा है हमारा वो है इंट्रा आर्टीरियल, उसमें क्या रहता है, ड्रग्स इंजेक्टेड इनटू आर्टरी बाय नीडल। इसका जो एग्जांपल है वो है एंटी कैंसर ड्रग। थैंक यू।